विकासखंड के पधारा गांव में कोटेदार की मनमानी को लेकर लोगों ने जमकर काटा हंगामा। शिकायत पर जांच करने पहुंचे नायब तहसीलदार के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। ग्रामीणों ने कोटेदार संध्या देवी पति अनिल कुमार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोटेदार अंगूठा लगवाने के बाद पधारा गांव में राशन नहीं देता और कोटेदार के द्वारा फर्जी SC ST एक्ट की धमकी देता है। इससे पूर्व भी कार्ड धारकों द्वारा शिकायत पर जांच हुई थी। महिलाओं ने नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र को समस्या बताई। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पवन सिंह पर मिलीभगत का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि इनकी मिलीभगत से ही अंगूठा लगवाने के बाद भी कोटेदार राशन नहीं देता है और शिकायत की बात कहने पर SC ST एक्ट लगवाने की धमकी देता है, जबकि लगातार अखबारों सोशल मीडिया में पधारा गांव कोटेदार के भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित हुई, लेकिन अभी तक कोई भी जनपद के आला अधिकारियों ने कोटेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे कोटेदार संध्या देवी पति अनिल कुमार के हौसले बुलंद है और गरीब जनता का राशन हड़पने में या कटौती करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आखिर कब तक अपने अधिकार के लिए लड़ती रहेंगी गरीब जनता। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को अपनी समस्या बताई, जिस पर नायब तहसीलदार ने कोटेदार संध्या देवी पति अनिल कुमार को फटकार लगाई और अपनी जांच शुरू कर दी है। नायब तहसीलदार बिंदकी ने कहा, जांच करके अगर मामले की सत्यता पाई गई तो कोटेदार पति अनिल कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।